नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपके पास अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं तो अदानी ग्रुप अपने ही जाल में खुश फंसता हुआ दिख रहा है और ये मतलब रिटर्न में यह चीज वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं पूरा मैटर क्या है। मैटर ये है, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, ज्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, सब पता है आपको। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, जहां उन्होंने आरोप लगाए, जहां पे ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चंस के जो है सवाल थे, 88 क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें से तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला तो ये था कि इन्होंने अपने स्टॉक्स को मैन्युपुलेट करा गया, यानी कि खुद के शेयर खुद खरीद के शेयर के प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। दूसरा, इनके वैल्यूएशंस डीकंफर्ट देते हैं। तीसरा, डेट कंसर्न उन्होंने जताया था। एंड इस प्रकार के लगभग दो और थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी के 88 एलिगेशन जो थे वो थे, टोटल एलिगेशन 88 थे, जिसके रिप्लाई में अदानी ग्रुप ने 495 पन्नों की रिपोर्ट निकाली जहां उन्होंने सब क्वेश्चंस का जवाब दिया। इस पे हिंडनबर्ग ने रिप्लाई दिया कि इन 495 पन्नों की रिपोर्ट में हमारे सवालों के तो जवाब ही नहीं है, क्या लिख दिया मतलब ही नहीं है। अब एक एलिगेशन ऐसा था जहां पे अदानी ग्रुप ने क्या कहा वो सुनिए। पहले हिंडनबर्ग ने कहा था कि विनोद अदानी जी, जो कि गौतम अदानी जी के भाई हैं, तो विनोद अदानी जी कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप समूह के मालिक, प्रमोटर या फिर हिस्सेदार हैं, जिसके रिप्लाई में जो वो 495 पन्नों की रिपोर्ट में आंसर थी जो अदानी ग्रुप की तरफ से, वहां अदानी ग्रुप ने कहा था कि विनोद अदानी जी किसी भी जगह इंक्लूड नहीं करते हैं, किसी भी जगह स्टैंड नहीं करते हैं अदानी ग्रुप कंपनीज में, इवन अदानी ग्रुप कंपनीज और इवन जो रिसेंटली एक्वायर्ड है, विनोद अदानी जी का कोई रोल नहीं है, ये क्लियरली मेंशन करा था। और अब आप सुनिए सबसे बड़ी खबर, होप अभी तक आपको जो मैंने चीजें बताई वो समझ में। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि विनोद अदानी जी कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले करते हैं अदानी ग्रुप में। अदानी ग्रुप ने रिप्लाई में दिया कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। और 16 मार्च 2023 यानी कि दो दिन पहले अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसकी आप जाके कॉर्पोरेट एक्शंस में देखेंगे तो सबसे टॉप पे आपको दिखेगा क्लेरिफिकेशन, किससे रिलेटेड, यही विनोद अदानी जी के मामले से, जहां उन्होंने कहा है कि अंबुजा सीमेंट और ACC को हम ओन करते ही नहीं है, अदानी ग्रुप डजंट ओन अंबुजा सीमेंट एंड ACC। अब देखिए क्या लिखा है, क्लियर हेडलाइन पढ़ रहा हूं मैं, अदानी ग्रुप डज नॉट ओन अंबुजा सीमेंट एंड ACC, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज विनोद अदानी, यानी कि ये कंपनी विनोद अदानी जी को बिलोंग करती है। तो फिर वो जो स्टार्टिंग में वहां पे हिंडनबर्ग ने कहा था तब आपने मना क्यों किया कि विनोद अदानी जी का कोई रोल है ही नहीं, तो ये अपने आप के खुद के माया जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, वी वुड लाइक टू सबमिट दैट मिस्टर गौतम अदानी एंड मिस्टर राजेश अदानी आर इंडिविजुअल प्रमोटर्स ऑफ वेरियस लिस्टेड एंटिटीज विद इन द अदानी ग्रुप एंड मिस्टर विनोद अदानी इज एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोटर अकॉर्डिंगली एज पर द एप्लीकेबल इमीडिएट रिलेटिव एज पर द इंडियन रेगुलेशन एज पर द एप्लीकेबल इंडियन रेगुलेशन मिस्टर विनोद अदानी इज द पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ वेरियस लिस्टेड एंटिटीज विद इन द अदानी ग्रुप। और अब ये कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप की कुछ वेरियस लिस्टेड एंटिटीज हैं, उसके प्रमोटर हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट और ACC का नाम सामने आया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैंने जिस तरीके से समझाया है शायद आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बट ओवरऑल सिचुएशन समझ में आई है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं और इससे कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। सीन कुछ इस प्रकार है कि हिंडनबर्ग ने कहा कि विनोद अदानी जी का कोई ना कोई रोल है अदानी ग्रुप की कंपनीज में। अदानी ग्रुप ने रिप्लाई देते हुए कहा, जब इनिशियली मैटर उठा था कि कोई रोल नहीं है विनोद अदानी जी का, वो एक अलग कारोबार अपना संभालते हैं सिंगापुर वगैरह में, कोई रोल नहीं है। अब खुद अदानी ग्रुप क्लेरिफाई करता हुआ दिख रहा है कि अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज में विनोद अदानी जी प्रमोटर का रोल प्ले करते हैं और उसमें नाम आए हैं अंबुजा सीमेंट और ACC का। तो पहले आपने झूठ क्यों बोला और अब इससे कितना नेगेटिव फर्क पड़ेगा। देखिए जब
आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप पहले कुछ और कह रहे हो, अब कुछ और कह रहे हो, तो वो सवाल उठेंगे और ये डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज है जो मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बड़े इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टैंड लेंगे और अब और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी भी वही रहेगा स्टांस मेरा, अवॉइड ऑल दीज स्टॉक्स, है तो उछाल में पोजीशन हल्की करें, एक साथ सब माल ना बेचें, नहीं है तो ऐसे हाथ जोड़ो और आराम से बैठो। कोई जल्दबाजी में पैसा बनाने की कोशिश में आप अपने कैपिटल को, अपने पैसे को रिस्क पे मत लगाओ, बस ये मैं कहूंगा। होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।